गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट हिंदी टू इंग्लिश 5 कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। तो बिना देर किए हुए फिर से शुरू करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस हमारा होगा, उठ जाइए 7 बज गए हैं। ठीक है, पहला है, प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। ठीक है, प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी डेली यूज में होने वाले सेंटेंसेस ही हम ले रहे हैं। ठीक है, जाएगा I am waiting for you। ठीक है, ओके। नंबर थर्ड, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। ठीक है, काश उसे दुख का एहसास होता। Extremely sorry, by mistake मैंने है लिख दिया है, क्या हो जाएगा? I wish he had the feel of my pain। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, बहुत खुश हूं। To be honest, I am very happy। ठीक है, To be honest, okay। And last number 5, वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। ठीक है, वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, देगा ही। ओके, क्या हो जाएगा? He will obviously help you। ठीक है, कन्वर्सेशन सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। आप इसे 20 टाइम प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, उठ जाइए 7 बज गए हैं, प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। सेकेंड, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
आई एम वेटिंग फॉर यू। थर्ड, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माय पेन। नंबर फोर, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। एंड नंबर फाइव, वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।